टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर पृथ्वी शॉ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम का हिस्सा नहीं है। पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में असम के खिलाफ 379 रनों की पारी खेली थी। इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद पृथ्वी को टीम में शामिल नहीं करने पर सवाल उठे थे। वैसे पृथ्वी को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया था, लेकिन एक भी मैच खेलने का चांस नहीं मिला। अब पृथ्वी शॉ से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। पृथ्वी शॉ के दोस्त की कार पर मुंबई के एक 5 सितारा होटल के बाहर हमला करने के आरोप में ओशिवारा पुलिस ने बुधवार को 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पृथ्वी शॉ के दोस्त आशीष सुरेंद्र यादव द्वारा दी गई शिकायत के मुताबिक बेसबॉल के डंडों से हमला किया गया, फिर आरोपियों ने कार का पीछा किया और पैसे नहीं देने पर झूठा केस करने की धमकी दी। पृथ्वी शॉ सांताक्रूज के एक 5 सितारा होटल में डिनर के लिए गए थे, तभी अज्ञात आरोपी उनके पास आया और सेल्फी लेने की मांग करने लगा। शॉ ने 2 लोगों के साथ सेल्फी ली भी, लेकिन वही ग्रुप लौट आया और अन्य नामजद आरोपियों के साथ सेल्फी लेने को कहा। पृथ्वी शॉ ने इस बार ये कहते हुए मना कर दिया कि वो दोस्तों के साथ खाना खाने आए हैं और परेशान नहीं करना चाहते। शिकायत के मुताबिक जब उन्होंने ज्यादा जोर दिया तो पृथ्वी के दोस्त ने होटल के मैनेजर को फोन किया और शिकायत की। मैनेजर ने आरोपियों को होटल से जाने को कहा। जब शॉ और उनका दोस्त खाना खाने के बाद होटल से बाहर निकले तो होटल के बाहर कुछ लोग बेसबॉल के डंडे लेकर खड़े थे। आरोपी ने कार का एक शीशा तोड़ दिया, जबकि पृथ्वी शॉ भी कार में मौजूद थे।